हम बात कर रहे थे चुनावी मोड में आ चुकी बीजेपी सरगुजा मिशन पर निकल चुकी है। सरगुजा में हुई दो दिन की कार्य समिति की बैठक में पार्टी ने सरगुजा जीत का ब्लूप्रिंट तैयार किया है। आज जनजाति आज सम्मेलन में आदिवासियों को भी पार्टी ने साधने की कोशिश की। ऐसे में बीजेपी के मिशन सरगुजा प्लस पर देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। सरगुजा जीत ने निकली भाजपा, कार्य समिति में बना प्लान, कांग्रेस की खींचतान को बीजेपी बनाएगी मुद्दा, आदिवासी समाज को साधने की कोशिश। छत्तीसगढ़ में सत्ता की राह आदिवासी बाहुल्य सरगुजा से होकर गुजरती है और इसलिए इस इलाके में जीत के लिए भाजपा ने एड़ी चोटी का जोर लगाना शुरू कर दिया है। पिछली हार इस पूरे संभाग से बीजेपी का सुपड़ा साफ हो गया था। पार्टी यहां विजय का झंडा गाड़ना चाहती है। पार्टी की दो दिवसीय कार्य समिति की बैठक में इस सरगुजा मिशन पर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी ने सरगुजा में जनजाति सम्मेलन का भी आयोजन किया। इस सम्मेलन में आदिवासियों को साधने की कोशिश की, वहीं सरकार पर निशाना भी साधा गया। यहां बीजेपी टीएस सिंहदेव के इस्तीफे के मुद्दे को भी भुनाने से नहीं चूक रही। हम यहां बेहतर स्थिति में पहले पिछले बार झूठा वादा करके भूपे सरकार में आए, अब वो बेनकाब हो गए हैं। सारे डेवलपमेंट के काम रुक गए हैं। छलो वादा सरगुजा का जितना अपमान हुआ है कहीं का नहीं हुआ है। मैंने आपसे कहा कि कांग्रेस के बड़े बड़े दिग्गज नेता जन आक्रोश के कारण चुनाव लड़ने से इनकार कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में सरगुजा संभाग में भी सभी 12 सीटों में आने वाले समय में कमल खिलेगा, भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, मैं आपको भरोसे के साथ कह सकता हूं। इधर कांग्रेस भाजपा की तैयारियों से कुछ खास असर नहीं पड़ने की बात कह रही है। कांग्रेस का भरोसा है कि आदिवासी बाहुल इलाकों में आदिवासियों का विश्वास हर बार की तरह कांग्रेस पर कायम रहेगा। अब भाजपा मुंगेरी लाल के सपने देखने से कोई रोक तो नहीं सकता, लेकिन मैंने कहा छत्तीसगढ़ में किसानों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया की राशि हमने हस्तांतरित की है। छत्तीसगढ़ की धान खरीदी, यहाँ का गोधन न्याय मिशन, यहाँ का राजीव गांधी किसान न्याय योजना, यहाँ का भूमिहीन मजदूर न्याय योजना, ये सारी ऐसी योजनाएं हैं कि अगली बार कांग्रेस की सरकार बनेगी 3/4 से भी अधिक बहुमत की सरकार बनेगी। मैं तो कहता हूँ इस बार 71 की सरकार, अगले बार 75 की सरकार। बस्तर और सरगुजा दो ऐसे इलाके हैं जहां पर मैदानी इलाकों से अलग तरह की राजनीति और मुद्दे काम करते हैं। ऐसे में इन दोनों जगहों पर भाजपा ने अपना फोकस बढ़ाया है, क्योंकि बस्तर सरगुजा में पिछले चुनाव में बीजेपी साफ हो चुकी थी। ऐसे में पार्टी को अगर फिर से सत्ता में काबिज होना है तो सरगुजा फतह करना होगा। इसके लिए वह आदिवासियों के हक, सरगुजा के राजा को भी मुद्दा बना रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV24।